कर बेड से। यही व्यू है टिकाला जोन का ना। टिकाला की बुकिंग किस तरीके से करनी चाहिए भाई? हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई आज की जर्नी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कई कमेंट थे भैया लोगों के कि युवराज भाई कभी ढिकाला दिखाओ, ढिकाला दिखाओ। तो भाई आज तुम्हारा भाई जा रहा है ढिकाला जोन। वन नाइट स्टे है भाई, एक रात है, कल वापस आ जाएंगे। पर एक ही नाइट में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे भाई। स्वास्थ्य भी ढीला है भाई, फिर भी मैंने ढिकाला ऐसा ना ढिकाला में मैंने ये सुना है कि भाई ग्रासलैंड भी खुल गया। अभी कितना ये श्योर न्यूज़ है मुझे नहीं पता है, बट जब वहीं जाके पता चलेगा कि ग्रासलैंड अगर खुल गया होगा तो भाई तो मेरा आना मतलब सफल हो गया समझ लो। तो भाई मैं बहुत टाइम से उत्सुक था आप लोगों को ढिकाला का ग्रासलैंड दिखाने के लिए, और वो पिछले साल जून से बंद था भाई। आज भाई कैमरामैन नहीं है साथ में, कैमरामैन भाई जो है हमारा थोड़ा सा उसकी कभी तबीयत खराब चल रहा है, पर ये जो परमिट काटा है ना गैस ने काटा है तो उसका नाम भी नहीं है, इस वजह से वो साथ नहीं जा सकता। गाड़ी में लगा हुआ है कैमरा, आप लोग देखते रहो जंगल, क्यों माहौल बनेगा बढ़िया। बस गैस को पिकअप कर लेते हैं डिकली से और निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। फैमिली जुड़ चुकी है, जो फैमिली आज हमारे साथ ढिकाला जाने वाले हैं। तो ये भैया हमारे कहाँ से हैं भैया? आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं? चंडीगढ़ से हैं भैया हमारे, और इनकी जो बिटिया आज इनका बर्थडे है। और भाई ये रेगुलर हमारे ब्लॉग देखते हैं और इनके लिए सरप्राइज़ था क्योंकि इनके फादर ने बताया नहीं था कि युवराज भैया आ रहे हैं। और भाई मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर भैया बोले नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आओ, पर मेडिसिन लेके ठीक है, अभी बेहतर फील कर रहे हैं और निकल रहे हैं ढिकाला जोन के लिए। थोड़ी आगे जाके हमारा एंट्री गेट आ जाएगा, तो मिलते हैं एंट्री गेट पे। पहुंचने वाले हैं भैया ढिकाला एंट्री गेट। ये म्यूजियम की भीड़ है। अच्छा अच्छा, म्यूजियम तो कल भी देख सकते हैं वापस आके। हाँ आज तक तो देख सकते हैं। ठीक, आप खुद ब्लॉग करो भाई। आज हमारा जो है भैया नहीं है हमारे संग कैमरामैन भैया, तो गेस्ट बोल रहे हैं कि भाई हम खुद कर लेंगे रिकॉर्ड। हमने कहा ठीक है भाई, स्पेशल सफारी युवराज भाई के साथ स्टार्ट हो चुकी है जी जिम कॉर्बेट की। खुशू और युवराज भैया कैसे बोलते हैं एक बार बोल के दिखाओ, क्या डायलॉग था हमारा बोलो। हेलो यारो आगे आगे। हेलो यारो, मैं हूँ आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई हमारी सफारी शुरू हो चुकी है, ढिकाला जा रहे हैं अभी हम। क्या तो बात अभी है? मिलते हैं एंट्री के। क्या बात है। जैसे कई लोगों का सवाल रहते हैं युवराज भाई के ढिकाला की बुकिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कई लोगों को नहीं मिल पाता ना, तो आप बताएंगे भैया कैसे की थी आपने ढिकाला की बुकिंग? हमने 2-3 हफ्ते तो प्रैक्टिस करी वैसे तो। अच्छा, बट ये है कि ढिकाला की बुकिंग हमें ये पता चल गया था कि 2 मिनट में सारी की सारा ढिकाला बुक हो जाता है जी। तो आप खुद करोगे ना तो कह लो कि आपके पास फास्ट सिस्टम हो और एक दो हफ्ते पहले आप चेक करके रखो आपने कौन सा रूम लेना है और कब आना है, डेट्स कब होगी। तो ये क्या करते हैं, हर मंडे आपको मिलेगा, रिफ्रेश मिलेगा स्केड्यूल का। समझ गया। तो उसमें क्या होता है कि पूरे हफ्ते का स्केड्यूल दोबारा आ जाएगा जी। तो जिस दिन को करना है आपने उस पर्टिकुलर दिन को चूज करें, ट्राई वाला सीन नहीं है उसमें। तो बस इस तरीके से कर सकते हैं। अधिकतर क्या होता है ना, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लोगों को नहीं पता रहता है कि भैया कॉर्बेट कैसे आ रहे हैं, कैसे बुकिंग करनी है। अभी बहुत कम गेस्ट होते हैं जो अपनी बुकिंग खुद करके लाते हैं, पता बहुत कम होते हैं जिन्हें ढिकाला मिल पाता है। हाँ ढिकाला बहुत रेयर है ना, मतलब नहीं मिल पाता है। दो हफ्ते। अच्छा, तो जब आप डायरेक्ट करते हो किसी भी बंदे को जो बोलते हैं कि हम करा देंगे, तो वो बहुत बहुत महंगा पड़ता है आपको। तो हम आपका ही चला लेते हैं कि हाँ चलो अच्छी डिटेल्स बताते हैं, वो सब कुछ बताते हैं कि हाँ पेड़ वाली है, बाल वाली, सारा आप बताते हो। सारे वीडियोस देखे हैं लोगों ने तो इतना बारीकी से आप लोगों को बताया ना। जब से आपने जिम कर पे देखा है, जब से हमने आपको दिया, तो हम तब से आपका ही देखते हैं। अरे वाह, आपका भी देखते हैं, सबका देखते हैं, मोस्टली आपका ही देखते हैं, रोज हम आपका देख के सोचते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत भाई ऐसी प्यार बनाए रखना है, अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, पहले आज देखते हैं क्या माहौल है। तो कई लोगों ने हमारे कमेंट भी आ रहे थे कि युवराज भाई ढिकाला विजिट करवाओ एक बार, तो आज ढिकाला जाने का प्रोग्राम बना। और सडनली ये भी भाई ग्रासलैंड खुल चुका है ढिकाला का, जो एक लंबे समय से बंद था। थोड़ा मैं कन्फ्यूज था, पर पीछे फॉरेस्ट वाले आ रहे हैं हमारे साथ, इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ढिकाला का जो ग्रासलैंड है वो कल खोल दिया गया है और आज हमारी एंट्री है। तो देखते हैं क्या माहौल बनेगा ग्रासलैंड में। और साइटिंग का सही रहता है ना भैया ग्रासलैंड में, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। और इस बार तो ग्रासलैंड पूरा बर्न कर रखा है, तो एकदम ग्रीन कारपेट जैसी बिछी हुई लग रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सही है।
सुल्तान गेस्ट हाउस ना आपने पढ़ा होगा भैया, सुल्ताना डाकू। हाँ जी हाँ जी, सुल्ताना डाकू का पढ़ा था। हाँ तो सुल्ताना डाकू का किला है, उसी के किले के बगल में जो ब्रिटिश टाइम से जो गेस्ट हाउस है उसी के नाम पे सुल्तान गेस्ट हाउस। अच्छा अच्छा, अलग अलग जगह पे गेस्ट हाउस है। सामने का व्यू काफी अच्छा है ना। हाँ। ये भाई सालवुड, कई वीडियोस में दिखाते हैं ना सालवुड, यहाँ पे आता है सालवुड का असली व्यू डिकाला जोन में। और इस पेड़ की खासियत देखना, पतझड़ के साथ साथ ऊपर से नई लिप्स आनी भी शुरू हो गई है। इस पेड़ को आप ना प्लांट नहीं कर सकते, होगा तो नेचुरल होगा। जैसे सुल्तान में रुक रहे हो, गैरल में रुक रहे हो, सरदुली रुक रहे हो या खीनानौली रुक रहे हो, तो ये सब घूमने डिकाला ही जाएंगे क्रास्तन वाले। तो प्रॉपर जो डिकाला खुद एक गेस्ट हाउस है, डिकाला भी खुद एक गेस्ट हाउस, तो उनको बेनिफिट मिलता है कि वो डिकाला सफारी लेके निकले सीधे ग्रासलैंड में। ये है ज्यादा बेनिफिट। ये रोड बहुत सोनी है अपनी। हाँ, ये एक हेल्दी फॉरेस्ट को दर्शाते हैं, जो टर्माइट हिल्स देख रहे हैं ना बच्चे आप। हमारे घर में दीमक लगता है तो नुकसान देता है ना, बट इस जंगल में जितना ज्यादा है उतना हेल्दी फॉरेस्ट कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियां ही समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट का परमिट आगे वो लगा है ना, देखो चिट लगी ना, तो ये चिटें लग जाती है तो गवर्नमेंट से ऑथराइज हो जाती है वाला गाड़ियाँ हमारी यहाँ। जैसे युवराज भाई, ये फॉरेस्ट वाले होते हैं, ये हमने कई बार देखा आपके ब्लॉग में भी बताते हैं, ये पैदल ही चल लेते हैं, तो ये इन्हें डर नहीं लगता। हाँ, डर नहीं लगता ये क्या? मतलब सवाल आपका अच्छा, इसका सीधा सा जवाब है पहला, ध्यान रखते हैं। हाँ, पहला सा सीधा सवाल जवाब है कि फौजी से क्या पूछना, गोली से डर लगता है, ठीक है। दूसरा, इसी चीज की इन्हें ट्रेनिंग मिल रही है और इसी चीज की सैलरी ले रहे हैं। तीसरा, जो केस होते हैं वो इन्हीं के साथ होते हैं या उन विलेजेस लेडी के साथ होते हैं जो जंगल के किनारे रह रही है, लकड़ी लेने बफर जोन में जा रही है। आज तक का रिकॉर्ड है किसी गेस्ट पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया। लोग मर रहे हैं कौन, या तो जो फॉरेस्ट के वो लोग जो पेट्रोलिंग करते हैं, या लेबर वाले जो जंगल में वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जंगल में वर्क, है ना। जैसे अभी बरसात के बाद जब पार्क को खोला जाता है तो रास्ते बनाए जाते हैं, सब टूट जाता है, सब नदियाँ हैं, ये भी एक नाला है पता है पूरा, ये पूरा पानी चलता है, पूरा भर जाता है। लांटाना झाड़ी, ग्रास लैंड, कई सारी वाटर बॉडियाँ मेंटेन करना, इलीगली एक्टिविटी तो नहीं हो रही जंगल में, उस पर नज़र रखने के लिए इन्हें ऑन फुट पेट्रोलिंग करनी होती है, और वो भी पर डे ये 10 से 12 किलोमीटर चलते हैं। अच्छा, ये उन जगह पे चलते हैं जहाँ पे टाइगर चलता है। बट इन पे अधिकतम अटैक क्यों होते हैं, मतलब जो मॉक चार्ज गाड़ियों में होता है इन पे क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता पता? क्योंकि जब भी ये जंगल में जाते हैं ना, इन्हें अगर टाइगर दिख जाता है ये टाइगर को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा। ये टूरिस्ट की तरह पीछे मुड़ मुड़ के नहीं जाएंगे, अरे वो टाइगर बैठा है, टाइगर बैठा है, समझ रहे हो? इसलिए इनके पास चांस कम होते हैं, पर जो होता है तो इनके साथ ही अधिकतर हो जाता है। वो जैसे बोलते हैं ना कि जानवर को पता लग जाता है, खतरा भी पता लग जाता है, दूसरा बंदा बिल्कुल डर रहा है तो भी पता लग जाता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, दो पाँव वाला जानवर ना दिखे, बोले तो इंसान सबसे बड़ा जानवर है, जिसे देख के ये भी डरते हैं। अभी जैसे वो डिकाला में हुआ था कि वो अपने फॉरेस्ट रेंजर ही थे जिनको उनको मार दिया था, उसी के बाद ग्रासलैंड बंद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, आज तो ओपन हो गया, अभी युवराज भाई बनाएंगे आज माहौल बढ़िया वाला। अभी एक दिन पहले आप आते तो सचिन तेंदुलकर से मिलते। अच्छा, सचिन तेंदुलकर थे यहाँ, खिनानौली रुके थे, फैमिली के साथ आए, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, अपना सफारी करके चले गए। तो ऐसे एक्टर भी आते रहते हैं, सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं। साल ट्री के साथ साथ जो दूसरे पेड़ आपको छोटे दिख रहे हैं, कई वीडियोस में जो रोहनी बताता हूँ, रोहनी के झाड़ है। बिल्कुल, एलिफेंट खाने वाले झाड़ है। मैं कह रहा था कि जैसे ये सदाबहार कंटेंट है जो आप बनाते हो ना, बिल्कुल, जिसको इसकी लत लग गई वो उसको कुछ और पसंद नहीं आता। हमारी आदत थी कि जैसे हमने डेली नेट जियो या ये अपना डिस्कवरी वगैरह देख के सोना, पर जब से ये ब्लॉग देखने शुरू किए तो ये इसमें पर्सनल टच सा आ जाता है कि आप एक तरह से ना रियलिटी देख रहे हो, सच्चाई है। हाँ, सच्चाई देख रहे हो, तो ये एडिक्टिव है बहुत। तो जो ये कंटेंट देखने लग गया उसको दूसरा पसंद नहीं है, चेक करने का नहीं होता भाई। अभी कुछ टाइम से हमारे चैनल पे कुछ वीडियो से टाइगर साइटिंग नहीं हो रही है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि राज भाई टाइगर साइटिंग के मतलब टाइगर नहीं दिख रहा, टाइगर नहीं दिख रहा। चाहे तो मतलब ना कुछ भी उल्टा सीधा करके उसमें कहीं भी टाइगर एडजस्ट करके दिखा सकते हैं। इतनी सारी वीडियोज पड़ी है मेरे पे, क्योंकि यूट्यूब तो मैं अभी शुरू किया एक महीने से। अभी क्या, मैं जंगल में काम तो 7-8 साल से कर रहा हूँ, 5-6 साल से मैं कैमरा भी यूज़ करता हूँ, तो बहुत ऐसी वीडियो हैं जो रॉ है, जो किसी ने देखी भी नहीं होंगी, तो चाहे उसे फिट कर सकते, पर नहीं, सच दिखाना है आप लोगों को, ये चीज है। अब जैसे दूसरे वाले वो बनाते हैं, उनका क्या है कि एक बार बना के ले गए उसको, छोटी-छोटी क्लिप्स में अलग-अलग तरीके से उसको आगे आपके सामने प्रेजेंट करके जानवर दिखा रहे, तो डायरेक्ट जानवर ही दिखा रहे हैं आपको। युवराज भाई दिखाते हैं कि जंगल दिखा रहे हैं आपको, आप रियलिटी फील करते हो कि जैसे आप ओरिजिनल दिखा है तो भी आपको पता चलेगा, नहीं दिखा है तो भी पता चलेगा। सामने पाइन के पेड़, ये चीड़ के पेड़ है ये सामने, अगर आप हमारे पहाड़ों पे जाओगे तो आपको ये वाला पेड़, पाइन के काफी पेड़ मिलेंगे।
पाइन का पेड़ क्या है, ये लगाया हुआ पेड़ है हमारा उत्तराखंड का, जो स्टेट ट्री है वो तो बुरास है, ये अच्छे पेड़ नहीं होते पाइन के पेड़। अच्छा। ये जमीन का पानी खत्म कर देते हैं। बता टिकाला जहाँ आज हम जा रहे हैं, इसे कॉर्बेट का हार्ट बोला जाता है। इस जोन में नाइट स्टे कंपलसरी। दूसरा आपने देखा होगा अभी कैंटर जा रहा था, वो कैंटर राइड आप कर सकते हैं जब आप टिकाला विजिट, अगर डे विजिट करना है। बाकी जितने जोन है हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35 या 40 किलोमीटर है, कोई लाइन बारी से नहीं है गेट। ठीक है, दूसरा गेट होगा तो यहाँ से 30-40 किलोमीटर या 20-25 किलोमीटर दूर ऐसे होगा। एनिमल्स का जो काउंट है 260+ टाइगर, 1000+ एलिफेंट, 50,000+ डियर, 600+ बर्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लीजर्ड, मार्टिन, मंगूस, स्नेक में वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन करैब, 110 प्रकार के तो अलग अलग जो आप देखेंगे नेचुरल पेड़ है मिलेंगे। अभी बताया था आपको 51 प्रकार की झाड़ियाँ हैं और 30 प्रकार के अलग अलग बांस हैं बैम्बो। 262+ टाइगर बताए। हमारे यहाँ पे टाइगर के गले में GPS नहीं है तो यहाँ काउंट कैसे होता है बताओ, टाइगर गिनती कैसे करते हैं बच्चे बताओ। आप बोल रहे थे भाई हम रोज आपके ब्लॉग देखते हैं तो हम बहुत एक बार टाइगर गिनती कैसे होती है, काउंट कैसे होता है नहीं पता। पेड़ों, हाँ पेड़ों पे कैमरा लगाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, जब इनका मेटिंग सीजन का टाइम है, और कैमरे दोनों तरफ, जब उसके बीच से टाइगर बाबा गुजरेंगे कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करेगा। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है। अब यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर, पर ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे, इसलिए हमारे बाघों को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम होता है जब वो आदमखोर होता है। जैसे ग्रासलैंड वाला ही मैटर ले लो आप, अभी कुछ पता नहीं है ना उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं पता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और ग्रासलैंड एक तरीके से, जो ग्रासलैंड बंद हुआ था ना, एक तरीके से टूरिस्ट की सेफ्टी को देखते हुए बंद हुआ था। टूरिस्ट को टाइगर नहीं दिख रहा तो मतलब बोला अरे यार निकाला क्या करना है वहाँ तो ग्रासलैंड बंद है, ऐसा नहीं है। अभी एक केस हो जाता ना तो पता चल जाता सभी को कि क्या चीज़ है। तो फॉरेस्ट इतना भर भी रिस्क नहीं लेती क्योंकि खतरा सीधे किससे है, जान से, जान का, क्योंकि बाद में जो सवाल जवाब होगा वो फॉरेस्ट से ही होगा। इसलिए उन्होंने सेफ्टी के रीजन से टिकाला को बंद किया हुआ था। ग्रासलैंड उसका कल खुला है, आज देखेंगे क्या माहौल बनेगा। जैसे कैमरे तो लगाते हैं काउंटिंग के लिए, जो कैमरे लगा देते हैं जी जी जी, वो तो आपके मेन एरिया में हो गए, हर जगह कैमरे होते हैं तीनों पार्टों में। फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, सब जगह कैमरे सभी जगह लगते हैं। ठीक है, मतलब जैसे तीन पार्ट होते हैं जंगल के, एक होता है बफर, बफर जो इसके बाहर वाला जंगल है जहाँ रजिस्टर्ड रोड है और अगल बगल जंगल है, पक्की रोड है, उसे बोलते हैं बफर। ठीक, यह है सफारी जिसमें हम चल रहे हैं। तीसरा होता है कोर जहाँ हम नहीं जा रहे होते हैं। ठीक, अब ये नाम तो हमने रखे हैं ना, एनिमल ने तो रखे नहीं कि सफारी, कोर, बफर है ना, तो वो तो कहीं हर जगह जा सकता है ना। और दूसरा है इन्होंने जो काउंटिंग करते हैं अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे बफर में, सफारी में, कोर में, इस तरीके से होती है अलग अलग स्टेप। मतलब जो काउंटिंग हो रही है वो पूरे जंगल की, पूरे जंगल की हो रही है, नहीं है कि आप जितना है यहां। मैं काउंट बता रहा हूं, हां मैं जो काउंट बता रहा हूं 262 प्लस टाइगर, ये पूरे जंगल का है। ऑल उत्तराखंड 350 से ऊपर टाइगर है। कहने का मतलब है उत्तराखंड में इतना ही जंगल नहीं है जितना जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। ये जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग है, बाकी फॉरेस्ट सारा ओपन है। बाघ को नहीं पता कि मैंने इस एरिया में जाना है या वेस्टर्न सर्किल में नहीं जाना है या मैंने PCR में नहीं जाना है, बोलगा टाइगर रिजर्व में, कहीं भी जा सकता है। टाइगर तो टेरिटोरियल एनिमल है, अपना एरिया बनाता है ना, जहाँ उसे सही लगेगा उस तरफ को जाएगा अपना एरिया बनाने, जहाँ उसको हैबिटेट मिलेगा अपना। व्हाइट पाइथन, हाँ पाइथन मिला था जिसने परसों के ब्लॉग में था, जिसने मारा था लंगूर, हाँ मंकी या लंगूर था उसके मुंह में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इस टाइम में रेप्टाइल्स दिखने शुरू हो जाएंगे ना। गैरल की गेड़ी भी लग गई निकाला जाते जाते। हाँ जी मैडम, मिल गई युवराज भाई। यस मिल गया, बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिल गया बच्चे को। अभी हम देंगे ना कितना, अगर टाइगर दिख जाएगा तो। हाँ आप युवराज भाई रिटर्न गिफ्ट देंगे। हाँ। टाइगर दिखाएंगे युवराज भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी देखो कोशिश पूरी रहती है भाई मेरी तरफ से तो 100% एफर्ट डालता हूँ मैं अपने, पर एक थोड़ा हमारा प्लस पॉइंट ये भी है ना कि चांस ज्यादा भी है क्योंकि वो जो खुल गया है ग्रासलैंड ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको दिखाने के लिए हम अपने यारों को बहुत उत्सुक है, और आपकी भी किस्मत अच्छी है कि आप विजिट के लिए आए और ग्रासलैंड खुला है ना। लोगों को और क्या, बाकी लोग सब समझदार है। 9627 9627 6666 3175 317। कहाँ से हैं आप लोग? नोएडा। अरे वाह, चलिए अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं निकाला।
वो तो मुझे इन्हें छोड़ना था, तो मैं आगे ने बोला हमें छोड़ दे, तब मैं घर वाला मुलाकात आपसे होनी होगी ना। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? सोमिल भाई। ठीक है चलो, यहीं रुकोगे आप लोग? ठीक है, देखो बुके। हाँ, देख रहे हो। नहीं नहीं मैडम, इस एरिया का नहीं था वो, इसे ना 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 वो उस टाइम कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं ना। हाँ। के कौन सा एरिया बंद का, वो तो बाद में पता चला आपकी वीडियो से ही के पखारो वाला एरिया। उस तरफ को कुछ ना कर रखा, बंद कर रखा। हाँ। इस तरफ को नहीं है, इस तरफ तो पहले से टूरिज्म हो रहा है ना। चलो, काफी बड़ा एक ग्रासलैंड वाला एरिया होता था, खुला एरिया होता था, तो हमारे अलग अलग जगह के लोग, गढ़वाल के लोग, कुमाऊं के लोग और बिजनौर के लोग जो है डिकाला आते थे अपने जानवरों को लेके, काफी टाइम तक वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो गढ़वाल के लोग तो इधर से आ रहे हैं, नदी पार से मैं दिखाऊंगा आपको, और बिजनौर के लोग ठीक पीछे से आते हैं, ग्रासलैंड के पीछे वाले हिस्से, मतलब पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और जो कुमाऊं के लोग आते थे वो आते थे हमारे धनगढ़ी गेट से। मैं बात क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ धनगढ़ी का नाम धनगढ़ी क्यों पड़ा। तो जब कुमाऊं के लोग धनगढ़ी गेट वाले रास्ते से आते थे, उस टाइम पे ट्रैवल नहीं होता था, पैदल लोग चलते थे, जब उन्हें लगता था कि यार सुल्ताना डाकू का एरिया आ गया, जत्थे चलते थे ना, कई सारे लोगों के ग्रुप चलते थे, तो वो क्या करते थे, अपना जो भी जड़ जेवर वगैरह कीमती सामान होता था उसे वहाँ गाड़ देते थे। समझ रहे, धनगढ़ी गेट से सुल्तान गेस्ट हाउस कितना 9 किलोमीटर है ना। हाँ, हाँ। इसीलिए उसको धनगढ़ी गेट बोला जाता है, धनगढ़ी मतलब धन गाड़ दिया यहाँ। ये सच है वाकई में। हाँ, तो वहाँ के लोग जो है अपना यहाँ पे जो भी कीमती सामान, अब जरूरी जहाँ पे गेट है वहीं पे दबाया हो, क्या पता उस एरिया को धनगढ़ी बोलते थे ना, गेट तो बाद में बनाया ना इन लोगों ने। तो ये सारी चीजें थी। तो धीरे जितने हमारे गेस्ट हाउस पड़ेंगे, गैरल पड़ेगा सुल्तान, उस टाइम में पहले तो हमारा, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पुराने पहले कोई जानने वाले हमारे को रिलेटिव हैं, वो उस टाइम में यहाँ पे बस लेके आए। आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते थे बहुत पहले यहाँ पे, 21 साल पहले ये था। धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हुई है ना, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्राइवेट व्हीकल बंद किया, क्योंकि केसेस होने बहुत ज़्यादा लग गए थे, लोग प्राइवेट व्हीकल से तो जंगल में आ जाते, पर उन्हें पता नहीं कि जंगल में क्या क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इस चक्कर में कई सारे केस हुए, फिर धीरे धीरे प्राइवेट व्हीकल बंद हुआ, फिर गाड़ियाँ लिमिट, मतलब गाड़ियाँ प्राइवेट चली, फिर धीरे धीरे जिप्सियाँ भी कमर्शियल हुई, फिर जिप्सियाँ भी लिमिटेड हुई, कंजर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहा ना भैया। ठीक है, बाकी हर FRH की अपनी कहानी है यहाँ पे। हाँ, जैसे बताया भाई ने, सुल्तान की। हाँ। गैरल की, सुल्तान गैरल सरदुली। हाँ। खीना नॉली इसमें VVIP गेस्ट हाउस है। हाँ। जैसे कल सचिन तेंदुलकर आए हुए थे कल यहाँ, तो जो है वो वहीं रुके हुए थे। कल तो मैडम मैं वहाँ था, छिरना। नाइट स्टे में बताया ना, हम कम जाते हैं नाइट स्टे, यहाँ पे रात रुकना पड़ता है ना, हमारी माता जी को थोड़ा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है जी, इसीलिए कम ही करते हैं घर पे, मम्मी और पापा और हम। पापा की ड्यूटी थोड़ा सा मतलब किसी दूसरे एरिया में, तो वो ज़्यादा वहाँ रहते हैं, मैं और माता जी। फीमेल है, गले में इसके देख रहे हो कई सारे, वो ऐसा लग रहा है नाखून, तो कई दफ़े बच चुका है ये बाघ से। अच्छा, गुल्लू चलो नीचे, छोटे टाइगर को भी दिखा दे रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। मस्ता बोलो, कह दो बाय, कह दो बाय। टाइगर कितना का था भाई? अब पहुँचने वाला है प्रॉपर ढिकाला, ये सामने देख रहे हैं ना जो आप लेफ्ट में, यही था ग्रासलैंड जो काफ़ी टाइम से बंद था भाई। अभी देखो क्या खोला हुआ है उन्होंने, सामने हमारा कैंपस है, पहले सीधे कैंपस निकलते हैं और चेक इन करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं भैया जी क्या माहौल है। ठीक है, पहुँच गए हम ढिकाला, कॉर्बेट का हार्ट जिसे बोला जाता है। पानी वहाँ तक भरा रहता है मैडम, जहाँ तक मैदान दिख रहा है ना ऊपर तक, पानी तो अभी कम है इसमें। क्या हाल है? चलो जी, फाइनली पहुँच गए ढिकाला युवराज भाई के साथ। तो यारो पहुंच गए हैं ढिकाला, बस भाई थोड़ा सा यारो आपको व्यू दिखा दें, उसके बाद सीधे निकल लें सफारी के लिए। थोड़ा समय कम है क्योंकि हम बाहर से ही थोड़ा लेट निकले थे। सामने का व्यू देखो भाई, भाई ग्रासलैंड खुल गया, ग्रासलैंड भी दिखाया जाएगा आपको। भाई ये है रामगंगा नदी, व्यू देख लो कितना ज़बरदस्त है भाई। ऐसे में ही कॉर्बेट का हार्ट नहीं बोला जाता है ढिकाला को, ढिकाला वाकई में दिल है कॉर्बेट का।
और उस वाले एरिया में वो टाइगर से पार वाली जो दिखती है अक्सर। तो निकलते हैं भाई सफारी के लिए। गैस ने लंच कर लिया है, बस गाड़ी पे आ गए और निकलते हैं। 6:15 है ना? ओके, 6:15 का टाइम है हमारा एग्जिट का। सबसे पहले थोड़ी सी सोचना और जो पहले से यहाँ पे लोग रह रहे हैं थोड़ा उनसे डिस्कस किया हमने गाइडों से कि अभी किधर को जाना सही रहेगा। देखो हम हर जगह एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं ना, इधर का एरिया वो लोग हमसे ज़्यादा पहचानते हैं जो रेगुलर यहाँ पे चल रहे हैं। ग्रासलैंड अभी नहीं जाएंगे, ग्रासलैंड जाएंगे बाद में, पहले निकल रहे हैं हम सीधे सांबर रोड। और जो हमें पता चला है जो पेड़ वाली के बच्चे देखे गए खीना नोली अपने वॉच टावर के पास, ठीक है, सुबह के टाइम में उधर निकलते हैं। सबसे पहले इस वाली सामने वाली रोड से हम बाहर से आए थे, इसे मेन रोड बोलते हैं, ये चले गए हमारी ग्रासलैंड और ये आ गया हमारा सांबर रोड। सांबर रोड वन वे है, ओके, इससे आप जा सकते हो, इस रोड से वापस नहीं आ सकते हो। इससे वापस आने के लिए जो है हमें ऐसे घूम के आना पड़ेगा। कमरपट्टा रोड का भी मालूम क्या, मतलब खास कुछ है नहीं, व्यर्थ है अभी जाना वहाँ पे। ये सारा जंगल जैस्मिन है, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इन पेड़ों से। और यहाँ पे इस रोड में साइटिंग होने का सांबर रोड में क्यों रहता है, इधर देख रहे हो पानी है पूरा ना, तो तीनों चीज़ अवेलेबल है, इधर डेंसिटी, इधर से टाइगर आया पानी पिया, उधर ग्रासलैंड किल करने निकल गए। पेड़ वाली का प्रॉपर एरिया यही है। पेड़ वाली की जो सूचना मिली है हमें कि उसके बच्चे जो देखे गए हैं खीना नॉली गेस्ट हाउस के पास, तो पहले उधर को निकल रहे हैं और उसी बीच में हमें जो भी मिलेगा उसे देखते हुए चलेंगे। बढ़िया व्यू, खूबसूरत है टिकाला का। अभी तो आप बोल रहे हो मैडम रामगा, जब बरसात के बाद आप आते हो ना, जब ये विंटर में खुलता है नवंबर में, तो पानी यहाँ तक रहता है पता है। ये सांबर रोड स्टार्टिंग में बंद रहती है, पूरा ऊपर तक पानी रहता है। ये पानी जो आपके कैंपस के पीछे उतना पानी क्यों दिख रहा है पता है, पीछे वो है जो रामगंगा नदी में जो डैम बना हुआ है उसका बैक वाटर है वो। उस बर्ड का नाम है, एक तो है ग्रीन बी ईटर, ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी बर्ड आई हुई है, ये आती है राजस्थान से यहाँ पे माइग्रेट करके। और एक आएगी अभी वाइट टेल वाली, वो आती है एमपी से, एमपी की स्टेट बर्ड बोला है वो, उसको बोलते हैं एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, वाइट टेल होती है उसकी, तो वो भी बहुत खूबसूरत बर्ड है। सांबर रोड डिकाला जोन की बहुत फेमस रोड है। यहाँ यहाँ पर रॉ रखा गया है, कोशिश ये करते हैं कि सफारी को भी वैसे ही किया जाए जो आदमी अपनी किस्मत से और अपनी मेहनत से ढूंढे। यहाँ पे देखने को टाइगर आदमी को बाहर साइकिल में पैदल में दिख जा रहा है, नया दिखने वाले को जंगल के अंदर विजिट कर रहे हैं, नाइट स्टे कर रहे हैं, डे विजिट कर रहे हैं, कहीं सफारी नहीं मिल पा रही, सब रॉ है। और अच्छा भी है, देखो जंगल जो है जानवरों का है, हम इस तरीके से हमारी आजीविका इससे जुड़ी हुई है, हम इस तरीके से जंगल के अंदर जा रहे हैं, इससे भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं एनिमल पता है। अच्छा। एक बार का तो किस्सा था कि मैं जा रहा हूँ, ऐसी छोटी सी बिटिया बैठी है जैसे, और राजस्थान के गेस्ट, और मेरे इस तरफ डियर है। अच्छा। तो बोली भैया टाइगर है, मैं बोला यार भाई बगल में डियर है कहाँ से टाइगर देखा, तो डियर इधर टाइगर इधर, टाइगर ने उसे एम्बूस किया था, वो किल करने ही वाला था कि जिप्सी बीच में आ गई, समझ रहे हो ना। अब कितनी बार उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी टाइगर ने, 10-15 बार तो टाइगर फेल होता अपने अटेम्प्ट में। ये नहीं कि जंगल में सबसे बड़ा प्रेडिटर है आया तो एम ही किसी को उठा के ले गए, ये नहीं है, बड़ा संघर्ष है उसके लिए, सब दुश्मन है उसके, जो उसके दुश्मन है वो हमारे क्या है, दोस्त हैं, वो हमारे चौकीदार हैं, वही तो बताते हैं हमें, नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी 300 मीटर अंदर से टाइगर आ रहा है, मैं कह दूँ अरे भैया टाइगर आने वाला। तो ये अलार्म कॉल इनसे क्या होता है, जब टाइगर का क्या है ना, जब आराम कर रहा तो सब चिल मार रहे हैं, जब वो मूवमेंट में आया है तो सारे एनिमल एक अलार्म कॉल अलर्ट कॉल करेंगे, एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। और अलार्म कॉल भी एग्जैक्ट पकड़नी है, हर अलार्म कॉल के बाद टाइगर नहीं आता। अब जंगल में कोई भी पैनिक आवाज़ आ गई तो आप सोचते हो अरे टाइगर आने वाला है। अब जैसे लोग बार्किंग डियर की आवाज़ सुन लेते हैं, ये रेड जंगल फॉल, बच्चे देखते हो ना वीडियो में, हम बताते हैं कई दफ़े, ये सारे मुर्गों का समझ लो रेडी है, सबसे पहले यही आया था। हाँ और है ना, कहीं ना कहीं पे अभी इतनी जर्नी हमने शुरू की है, कहीं ना कहीं पे ये हो सकता है हमें टाइगर ना दिखाओ, टाइगर ने हमें देख लिया। ये सांबर रोड का एग्जिट है जो मैंने मेन से आपको दिखाया था, अभी अपन चल रहे हैं खीना नॉली की तरफ को। थोड़ा सा हमें वहाँ से कुछ क्लू मिले थे कि मॉर्निंग में खीना नॉली की तरफ जो है बच्चे वगैरह देखे गए हैं, बाकी देखते हैं गाड़ियों से भी थोड़ा पता चलेगा और बाकी अलार्म कॉल से। ये खीना नॉली, हाँ भाई से डिस्कस कर लेंगे, एक मिनट बढ़ते हैं। एलिफेंट्स हैं ना काफ़ी सारे, देखना उधर देखो बच्चे दिख रहे हैं हाथी, पूरा ग्रुप है। लेफ्ट टू राइट में लग गया। टिकाला में आपके साथ एक और नहीं, थोड़े कम बाल वाले थे हमारे साथ ही, जो आपके साथ ही थे। अच्छा, उनके साथ जो थे गेस्ट, वो बोली जाए के पीछे का चलो गाड़ी रुक रहा है, ये नहीं कि अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो जल्दी चलो, इतनी मेरी कमर में पक गई और कमर चपट्टा वाले सब फिर रहे सफारी के अंदर। हां बैक प्रॉब्लम होगा ना उन्हें, ऐसा ना कई दफ़े लोग खाली भी रोक देते हैं, थोड़े थोड़ा देर अपना उस जगह पे रुको जहाँ पे अलार्म कॉल वगैरह हो रही हो। छोटे टाइगर उठ गए हैं तुम्हारे भैया,
इन्होंने तो जिप्सी में अपनी टेरिटरी बना दी। चल आ जाए, बिल्कुल चार तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देता है टाइगर जंगल में। एक तो अपने पैरों पे ऐसे खड़ा होगा और अपने हाथों को पेड़ों पे रगड़ेगा, हाँ, जिसे पंजे मारने को बोलते हैं बच्चे क्लो मार्किंग। इससे तीन काम होंगे, नाखून साफ हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, टेरिटरी मार्क हो जाएगी। और युवराज के अंदाज में अगले भाग को बताना हो जाएगा, देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना, है ना। दूसरा, यूरिन की स्मेल से कवर करता है। तीसरा, अपनी पॉटी से, अपने स्केट से। चौथा, अपनी बॉडी को पेड़ों पर रब करके ऐसे टाइगर अपनी प्रेजेंटेशन देता है। हमेशा मेल टाइगर अपनी टेरिटरी बनाता है हैवी। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम दो फीमेल या ज़्यादा से ज़्यादा तीन रह सकती हैं। फीमेल फीमेल को नहीं आने देती, मेल मेल को नहीं आने देता, ये फंडा रहता है। टेरिटरी में फीमेल साथ रहेगी का मतलब साथ नहीं रहेंगे हमेशा, रहेंगे अलग ही, जब मेट सीजन होगा तभी साथ मिलेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे, ये रहता है। जी हाँ, टाइगर की देखो इतने करीब से हमने देखा पर इस तरीके से, पर हल्की स्मेल रहती है उसकी। अभी ये मतलब कैसा मुझे फील हुआ, मतलब जैसे कुछ जले हुए बाल इस तरीके से, हल्का स्मेल। अभी हो सकता है कि टाइगर का हो या किसी और का ही, मैंने एक आध दफ़े किसी और से क्रॉस चेक भी किया तो उन्होंने भी यही बात कही। अभी इसमें कितनी सत्यता है ऐसा कुछ नहीं, बट मैंने खुद फील किया और सुना, हाँ हाँ हल्की स्मेल रहती है। हाँ, एलिफेंट अगर अगल बगल होगा तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हम मेटिंग सीजन पर खास तौर पर उसका मद इधर से निकलता रहता ना, तो बड़ी स्मेल आती है हाथी का। एलिफेंट है ना, अरे यार एलिफेंट निकल गया यार, सामने जा रहे हैं ना, पूरा ग्रुप निकल गया। एलिफेंट वार्निंग दे रहा है, वो गाड़ी सामने खड़ी ना, उसे वार्निंग दे रहा है। अब निकल रहे हैं ग्रासलैंड की तरफ। अच्छा। काफ़ी टाइम से बंद था ना ग्रासलैंड, कई महीनों बाद खुला है, सीजन में खुला ही कल है। भाई गाड़ी से क्लू मिला है कि टाइगर जो है सामने किधर इधर दिखा हुआ है, अभी देखते हैं। बोलना नहीं मैडम, ये डोमेस्टिक है, अभी थोड़ा धीरे धीरे, हाँ सॉरी का कोई बात नहीं, पर आराम आराम से, क्योंकि अभी फोकस बाघ की तरफ है ना थोड़ा। एक बार टाइगर मिल जाए फिर उसके बाद देखते रहेंगे। वो खड़ी है ना गाड़ियाँ, हाँ सब जा रही है डिप्सी। टाइगर उधर ही को निकला है ना कहीं, वहीं देख रही है ना, डियर है सारी उधर को देख रही है, टाइगर उधर को। अब वो क्या ना सेकंड सेकंड का गेम, अब ऐसा ना हो कि एक सेकंड का गेम हो तब मलाल होगा, टोपी गिर गई, समझ रहे हो, ये सेकंड का गेम बहुत तगड़ा है। उस तरफ से आ सकता है, वेट करेंगे थोड़ी देर यहाँ पे ना, आराम से पेशेंस से रुकते हैं। यही व्यू है डिकाला जोन का ना, पीछे रामगंगा नदी है, ग्रासलैंड बहुत बड़ा।
तो यारो बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है, टाइगर तो मिला नहीं पर गैस काफ़ी सेटिस्फाइड है जंगल का व्यू देख के। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल सुबह।